क्या खूबसूरत नजारा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा। पुणे शहर की असली खूबसूरती अगर आपको देखनी है तो आपको बारिश में आना पड़ेगा। यह शहर बारिश में अपने उरूस पे रहता है। तो मैंने सोचा कि कोई ऐसी डेस्टिनेशन कवर किया जाए जिसकी खूबसूरती बारिश में चौगुनी हो जाती है। तो मैं निकल चुका हूँ कुंडमाला वाटरफॉल को घूमने, जो कि पुणे से मात्र 20 किलोमीटर दूर है। कुंडमाला वाटरफॉल जाने के लिए आपको प्राइवेट कन्वेंस ही यूज़ करना पड़ेगा, और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहते हैं तो पुणे मुंबई लोकल पकड़कर आपको बेगड़ेवाड़ी उतरना पड़ेगा। वहाँ से ये वाटरफॉल मात्र 1 या 2 किलोमीटर दूर है। हेलो फ्रेंड, आज हम हैं पुणे मुंबई के आउटर पे, और इस जगह का नाम है कुंडमाला। अच्छा, तो ये रिवर है, यही इंद्राणी रिवर जो कि पुणे में भी जाती है। हम लोग आज यहाँ आए हैं देखने, एंजॉय करने। बारिश का मौसम में बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं सबको आगाह करना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ आते हैं तो आप अपना, अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिए। थोड़ा सा डेंजरस लोकेशन है और यहाँ का ब्रिज भी काफ़ी पुराना दिख रहा है, तो अपना ज़रूर ख्याल रखिए। कितनी तेज पानी की आवाज़ है, और ये जर्जर पुल बहुत ही एडवेंचरस लग रहा है भाई साहब। ये देखिए सारा जलकुंभी एक चक्कर गिर रहा है, पूरा गंदगी बह के नदी में मिल रही है। बहुत गजब का एक्सपीरियंस है दोस्तों। अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ब्रिज के सबसे स्केरी पार्ट में। लोहे का टूटा फूटा पुल है, बहुत अपना ख्याल रखिए, बहुत ही डेंजरस जगह है ये। जरा एक बार चारों तरफ देखिए, कमजोर दिल वालों का आना यहाँ सख्त मना है। जरा नीचे पानी तो देखिए, तो ये मंदिर देख रहे हैं। गर्मियों में यहाँ पर आएंगे तो लोग यहाँ पर दर्शन करते हैं, आके बैठते हैं, और इस समय देखिए पूरा मंदिर डूब चुका है, कोई नहीं है यहाँ पे। आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे फर्श दिखाई पड़ रही है, इंद्राणी नदी ने पूरा कवर कर लिया है। कुंडमाला वाटरफॉल में कुंडारी देवी जी का मंदिर है, जिनके नाम पर ही इसका नाम कुंडमाला वाटरफॉल पड़ा। लोकल्स के बीच में ऐसी भी मान्यता है कि चट्टानों और पत्थरों का इस तरीके से जमावड़ा है जो एक कुंड के समान दिखाई पड़ता है, इसलिए भी इस जगह को कुंडमाला कहते हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। अगर आपको थोड़ा समय मिले यहाँ पर जरूर
पूरा ये पूना से थोड़ा सा बाहर है, पुनावली से आगे मैं बता नहीं सकता कि कितना हिल हनो हो रहा है। ये ब्रिज देखिए कितना पुराना सा है और ऐसा लग रहा हिल रहा है। अगर आप ऋषिकेश लक्ष्मणझूला गए हैं तो आप समझ सकते हैं ये फीलिंग क्या, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। मैंने भी यहाँ बहुत इंजॉय किया, छोटा सा वीडियो था, प्लान तो था कि कुछ खाए पिएंगे, लेकिन इतना पानी है कि कहीं कुछ मिल भी नहीं रहा है और आखिर रास्ता भी बंद है, लेकिन ऑसम एक्सपीरियंस है। बस थोड़ा अगर बच्चों को लेके आ रहे हैं तो उनका हाथ पकड़ रही है, उनको गोद में रखिए क्योंकि ये थोड़ा ब्रिज डेंजरस है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। कुंडमाला का मेरा यह एक्सपीरियंस काफ़ी शानदार रहा। अगर आप वीकेंड में कहीं आउटिंग करने जाना चाहते हैं तो ये एक बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकती है। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।